न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। कैसे अनाज सड़ने की आड़ में देश भर में हो रहा है शराब का काला कारोबार। देश भर में अनाज को स्टोर करने के लिए गोदाम बनाए जाते हैं, जहां अनाज सुरक्षित रखा जाता है ताकि समय समय पर उसे उपलब्ध करवाया जा सके। लेकिन अक्सर खबरें आती है कि गोदाम में रखा अनाज सड़ गया, कीड़ा लग गया। खबर है कि अनाज रखने के ये गोदाम शराब तस्करी का अहम अड्डा बन चुके हैं। देश भर में कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी है जिसमें अनाज गोदामों से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई है। शराब तस्कर अनाज के साथ शराब के पेटियां छुपाकर रख देते हैं। देश भर में अनाज को स्टोर करने के लिए गोदाम बनाए जाते हैं, जहां अनाज सुरक्षित रखा जाता है ताकि समय समय पर उसे उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन अक्सर खबरें आती है कि गोदाम में रखा अनाज सड़ गया, कीड़ा लग गया या खराब हो गया। हो भी क्यों ना, जब अनाज रखने के ये गोदाम शराब तस्करी का अहम अड्डा तो बन चुके हैं। देश भर में कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी जिसमें अनाज गोदामों से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई। शराब तस्कर अनाज के साथ शराब के पेटियां छुपाकर रख देते हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई घरों में पानी भर गया। एक घर की दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के MI-70 हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। 5 जगहों पर SDRF की टीमें तैनात। रायगढ़ के इरशलवाड़ी में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है, 82 लोग लापता है। पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पहाड़ों में भी तेज बारिश का दौर है। उत्तरकाशी और कारगिल में देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया है और कई गाड़ियां दब गई है। वहां स्कूलों में भी मलबा जमा हो गया है। अगली खबर, उपराजधानी में चोरों का आतंक, बंद घर से 15 लाख उड़ाए। नागपुर शहर में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। कपिल नगर पुलिस थानांतर्गत एक निजी कंपनी के प्रबंधक के घर में सेंधमारी कर अज्ञात चोरों ने करीब 15 लाख रुपए का माल। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मंगेश दहिविले ने बताया कि बैंक कॉलोनी सान्याल नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मंगेश रेलटेल कॉर्पोरेशन में सीनियर मैनेजर के रूप में कार्यरत है। 5 जुलाई को मंगेश अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ बाहर गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर रखे करीब 15 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।